आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाने से पहले मैं भी पूरे बिहार वासियों के तरफ से नारा लगवाना चाहता हूं, राहुल गांधी, और जोर से लगा दीजिए, राहुल गांधी। ऐसा नारा लगना चाहिए कि ये मोदी का विदाई रैली है और आने वाले समय में राहुल जी का अभिनंदन रैली है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने समय दिया, उसी तरह से पूरे सूबे बिहार से सभी बिहारवासी आपको सुनने और देखने आए हैं। अब हम आग्रह करना चाहते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी से कि वो आकर पूरे बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी, शक्ति सिंह गोहिल जी, मदन मोहन झा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी, मीरा कुमारी जी, शरद यादव जी, माझी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और वहां जो कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे हैं, और आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत। शुरू करने से पहले मैं के नेता बैठे हैं कांग्रेस पार्टी की यूनिट को बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक ऐतिहासिक रैली, जबरदस्त ऐतिहासिक रैली बिहार में करके दिखा दी, और एक साथ मिलकर आपने ये काम किया। कांग्रेस पार्टी एक है, और मैं हमारे हर कार्यकर्ता को, हर नेता को, और गठबंधन के हमारे सब नेताओं को दिल से धन्यवाद करता हूं कि बिहार में अब विपक्ष की सरकार आने वाली है। सब लोग मिलकर बिहार से बीजेपी और नीतीश जी को हटाने जा रहे हैं। ज्यादा समय नहीं बचा है, इसके गहरे कारण है। बड़े बड़े वायदे किए, जहां जाते हैं मोदी जी कोई ना कोई वायदा कर जाते हैं, नीतीश जी की भी आदत है। कुछ दिन पहले, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में बजट में बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। बीजेपी के नेताओं ने कहा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, और धड़ाधड़ 5 मिनट उन्होंने ताली बजाई, किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया। मोदी जी यूं ताली बजा रहे हैं, पता है क्या ऐतिहासिक काम किया? हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपए दिन के दिए, किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है, और धड़ाधड़ पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। अनिल अंबानी को, एक व्यक्ति को आप 30,000 करोड़ रुपए देते हो, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए देते हो, मेहुल चौकसी को 30,000 करोड़ रुपए देते हो, विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए देते हो, और हिंदुस्तान के किसान के परिवार को 3.5 रुपए देते हो, और फिर ताली बजाते हो कि हां हमने बहुत बड़ा काम किया। मोदी जी मुस्कुराते हैं। भाइयों और बहनों,
भाई और बहनों, आपको लाइन में खड़ा किया। 8 बजे रात को मोदी जी टीवी पर आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगा, काला धन बदलना है, 500 का नहीं चलेगा, 1000 का नहीं चलेगा, इसको मैं रद्द करूंगा, मुझे तो 2000 रुपए का नोट चाहिए। काले धन को सफेद करना है, ये मेरे 15-20 मित्र हैं, अरबपति हैं, 2000 रुपए के नोट की जरूरत है। आपको लाइन में खड़ा किया, आपसे कहते हैं बैंक के सामने खड़े हो, महिलाओं से कहते हैं आपका जो पैसा है जो आपने बचा के रखा वो आप बैंक में डालो, किसान से कहते हैं खेत में मत जाओ, 4-5 दिन बैंक के सामने खड़े हो, बारिश हो धूप हो कुछ भी तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। आप सबको लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकालते हैं, बिहार की गरीब जनता के जेब में से पैसा निकालते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी, डायरेक्ट आपका पैसा उनकी जेब में जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी, भाई और बहनों। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, 15 लाख रुपए आपको मिलेगा, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेगा। मिल गया है यहां पे कोई जिसको 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिले ना? मगर किसानों को 3.5 रुपए, एक परिवार को 17 रुपए, अपमान किया है आपका, अपमान किया है बिहार का, हिंदुस्तान के किसान का। मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ देखिए, आज कमलनाथ जी मुझे बता रहे थे उद्योगपतियों के लिए बीजेपी की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने करोड़ों रुपए कर्जा माफ किया, मगर किसानों का 1 रुपया नहीं माफ किया। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 1 रुपया नहीं माफ किया, नरेंद्र मोदी ने 1 रुपया नहीं माफ किया। हमने इलेक्शन में वायदा किया था, 15 लाख का वायदा नहीं था, झूठा खोखला वायदा नहीं था, नरेंद्र मोदी वाला वायदा नहीं था। हमने साफ कहा था, देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, और कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति इसको रोक नहीं पाएगी। भाइयों और बहनों, 10 दिन नहीं लगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, कमलनाथ जी ने तो 15 मिनट में काम कर दिया, बघेल जी ने उनके एकदम बाद 1 दिन के अंदर काम कर दिया, अशोक गहलोत जी ने 2 दिन के अंदर काम कर दिया। 2 दिन के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ करता है, हिंदुस्तान का किसान एक के बाद एक हाथ जोड़ के कहता है उनसे हमारा भी थोड़ा सा माफ कर दो, अरुण जेटली जी कहते हैं नहीं हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं करते, चिल्लाना है जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ नीरव मोदी अनिल अंबानी का करेंगे। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का दौरा लगता था, कभी फ्रांस जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया गए, एक के बाद एक दौरे लग रहे, हवाई जहाज में जाते हैं चले जाते हैं वापस आते हैं। अब सच्चाई पता लगी है भाइयों और बहनों, ये देखो बोलने से पहले धड़ाम से, पहले नारा लगता था अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे। अब नारा सुनिए, मोदी जी सुनिए, चौकीदार
चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार फ्रांस जाता है वहां चोरी करवाता है, अमेरिका जाता है वहां आर्म्स डील कराता है, चोरी कराता है, इंग्लैंड जाता है वहां आर्म्स डील करा के चोरी कराता है। भाई और बहनों, अनिल अंबानी 1,00,000 करोड़ रुपए कर्जा है उस पर, 1,00,000 करोड़ रुपया, मतलब जितना पैसा अनिल अंबानी ने लिया उससे आप देश में 3 मनरेगा चला सकते हो। 3 बार आप हिंदुस्तान के मजदूरों को रोजगार दे सकते हो, उतना पैसा अनिल अंबानी स्वयं ले गया उठा के। एचएल को कांग्रेस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कांग्रेस पार्टी ने फ्रांस की सरकार से साफ कह दिया था, देखिए राफाइल हवाई जहाज अच्छा है, 126 हवाई जहाज चाहिए, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए देंगे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, बिहार के युवाओं को फायदा होगा, कर्नाटक के युवाओं को फायदा होगा, ओडिशा के युवाओं को फायदा होगा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को फायदा होगा। पूरा मामला तैयार था, 126 हवाई जहाज मिलने थे। चौकीदार प्रधानमंत्री बनता है डायरेक्ट, भैया हवाई जहाज में जाता है फ्रांस, जैसे अभी आपने हवाई जहाज देखा, ऐसे हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ छोटे से हवाई जहाज में अनिल अंबानी, डबल। फ्रांस में लैंडिंग होती है, नरेंद्र मोदी जी सूट पहन के निकलते हैं, पहले हॉलैंड जी से गले लगते हैं, गले मिलाते हैं 3 बार, फिर कहते हैं हॉलैंड जी आइए बैठिए मेरे साथ। हॉलैंड जी बैठते हैं, कहते हैं देखिए ये 526 करोड़ रुपए छोड़ो, हम आपको 1600 करोड़ रुपए देंगे। एचएल को परे करो, अनिल अंबानी है उसको आप हवाई जहाज दो। राफाइल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना? हाँ चाहिए साहब, तो अनिल अंबानी को दिलवाओ, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला। मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, मैं डिसीजन मेकर हूं, मैं काम करूंगा, मगर अनिल अंबानी को दे देना। नरेंद्र मोदी जी वापस आते हैं, परिकर जी कहते हैं भैया मुझे नहीं मालूम, नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लोग कहते हैं भैया ये क्या कर दिया, 8 साल से हम लगे हुए हैं, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज, देखो हवाई जहाज जा रहा है। ऐसे गए थे नरेंद्र मोदी जंबो जेट में फ्रांस गए थे, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाला, 17 रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब में डालते हैं, शर्म की बात है। 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में, 17 रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब में, 3.5 रुपए एक व्यक्ति परिवार के एक व्यक्ति को। चौकीदार चोर है, पूरा देश जानता है। बिहार आते हैं और आप अपनी जगह पहचानिए, आपको अपनी जगह नहीं भूलनी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी की जमीन है, यहां पहले पूरी दुनिया से लोग आया करते थे शिक्षा के लिए, पूरी दुनिया से लोग बिहार आते थे। आप अगर आप पूछते नालंदा के समय, अगर आप पूछते भैया यूरोप में, इंग्लैंड में आप पूछते भैया
किसी युवा से पूछते कहां पढ़ाई करनी है, वो आपसे कहता मैं बिहार में जाके पढ़ना चाहता हूं। और आज जब आपके लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहा जाता है ना, 3 साल, 4 साल, 5 साल, नहीं आपको नहीं मिलेगी डिग्री, नहीं मिल सकती आपको, आपको तो 5-6 साल में डिग्री मिलेगी। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर नहीं है, पूरा ढांचा बंद पड़ा हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी, नहीं नहीं आप थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि आपका काम है वो पूरा करना है। पटना यूनिवर्सिटी जो पूरे देश को रास्ता दिखाती थी, उसकी हालत बिहार का हर व्यक्ति पहचानता है। नरेंद्र मोदी जाते हैं कहते हैं 21वीं सदी में हम शिक्षा को बदल देंगे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, स्वच्छ भारत, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मोदी जी आपने पटना यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया है बता दो मुझे, बिहार के युवाओं को आपने कितना रोजगार दिया? आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल में रोजगार दूंगा, यहां पे कोई युवा है जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया हो? ना। देखिए मैंने वहां पे वायदा किया था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। अब आप एक वायदा सुन लीजिए, पटना की जनता सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाएगा। भाई और बहनों, बेरोजगार, देखिए आप पहले शिक्षा का सेंटर हुआ करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर, पटना यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में मशहूर, सब लोग यहां आना चाहते थे, मगर आज आप शिक्षा के सेंटर नहीं हो। आप जानते हो आज आप किस चीज के सेंटर हो? बेरोजगारी के। बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। बिहार का युवा पूरे देश में चक्कर काटता है। आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाओ और बिहार के युवा से पूछो भैया करते क्या हो, जवाब मिलेगा कुछ नहीं करते। मोदी जी ने रोजगार दिया ना, नीतीश जी ने रोजगार दिया ना। अच्छा भैया कोई आपसे कहेगा हां भैया मैं रोजगार ढूंढने गुजरात गया, मोदी जी के गुजरात गया, वहां मुझे कहा तुम बिहार के हो, मुझे मार के वहां से भगाया गया, महाराष्ट्र गया, वहां से मुझे बीजेपी शिवसेना के लोगों ने मार के भगाया, कहा वापस भगा बिहार जाओ, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मगर आप में कोई कमी नहीं है। आप एक बार फिर शिक्षा का सेंटर बन सकते हो। एक समय हुआ करता था बिहार का किसान 27% देश की 27% चीनी आप देश को देते थे, आपका किसान देता था, आज 2% चीनी देते हो आप देश को। आपसे शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया, कृषि छीन ली। लंबे लंबे भाषण होते हैं, मोदी जी कहते हैं किसान को मैं सही दाम दिलवाऊंगा, बोनस छीन लिया। अच्छा देश में नया फैशन चला है मोदी जी ने, किसान अपनी जेब से पैसा दे, बीमा के लिए पैसा दे,
हर गांव में, हर प्रदेश में अपने जेब से पैसा निकाल के बीमा के लिए दे के, भैया कभी बारिश आएगी, ओला गिरेगा, आंधी आएगी, मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। पता लगता है वो भी पैसा अनिल अंबानी की जेब में, नीरव मोदी की जेब में। बारिश आती है, ओला गिरता है, किसान को कहा जाता है भैया देखो आपने पैसा दिया था, आपका पैसा है, मगर हमने वो नीरव मोदी को दे दिया, अनिल अंबानी को दे दिया, अब आंधी आई है, आप जानो आपका काम जाने। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से मैंने साफ कह दिया है, पहली हरी क्रांति हरियाणा पंजाब में हुई थी। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, पूछिए भैया अब देश को भोजन कौन देता है, बताएंगे पंजाब हरियाणा देता है। मैंने हमारे चीफ मिनिस्टर से साफ कह दिया है, दूसरी हरी क्रांति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में होगी। और उसमें मैं एक और प्रदेश जोड़ना चाहता हूं, उसमें मैं बिहार का भी नाम जोड़ना चाहता हूं। देखिए दो दिन में कर्जा माफ किया है, तीन दिन नहीं लगे, दो दिन। और मैंने कह दिया है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हमने जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किया था वो हम पूरे हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं। चिल्ला लो जितना चिल्लाना है नरेंद्र मोदी जी, जितने भाषण देने दे दो, आपने 4.5 साल में कुछ नहीं किया। आपने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, आपने अनिल अंबानी, नीरव मोदी को पैसा दिया, राफेल की चोरी की, अब जितने भाषण देने दे दो। 17 रुपए से काम नहीं बनने वाला। किसान का अपमान करोगे, किसान आपको जवाब देगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नरेंद्र मोदी को, इन प्रदेशों के किसान ने जवाब दे दिया है, हमें नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, हमें बीजेपी नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस पार्टी चाहिए। और आपकी आवाज सुनकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कारखानों का हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाल बिछाने जा रहे हैं। जहां आलू उगाया जाता है वहां आलू की चिप्स की फैक्ट्री, जहां टमाटर उगता है वहां टमाटर केचप की फैक्ट्री, जहां सोयाबीन उगाया जाता है वहां पे सोयाबीन तेल की फैक्ट्री, जहां गन्ना उगाया जाता है वहां चीनी की मिल, जो पूरी की पूरी यहां पे बिहार में बंद पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एक के बाद एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री खुलेगी, जाल बिछा देंगे वहां पे, किसान जाकर सीधा फैक्ट्री में अपना माल बेचेगा, उसको सही दाम मिलेगा। और अगर आप मौका देंगे तो बिहार में भी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, मांझी जी, कुशवाहा जी का जो गठबंधन है यही काम करके आपको दिखा देगा। और ये पहला कदम है, ये मीटिंग पहला कदम है हमारे लिए। कांग्रेस पार्टी भाइयों और बहनों, मैंने उत्तर प्रदेश में कह दिया है कांग्रेस पार्टी बैक फुट पे नहीं फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। मिलकर तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी और हम छक्का मारेंगे। और अब आखिरी बात ऐतिहासिक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, ऐतिहासिक बात। किसानों की बात मैंने की, युवाओं को रोजगार की बात की, जो सबसे बड़ा सवाल है देश के सामने, सबसे बड़ा सवाल, चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है, नरेंद्र मोदी पूरे देश में 450 युवाओं को देता है। पूरे देश में भाई और बहनों 450 युवाओं को 24 घंटे में नरेंद्र मोदी रोजगार दे पाता है, शर्म की बात है। मतलब ये जो स्टेज है इस पे 450 लोग बैठे हैं, पूरे देश में इतने लोगों को नरेंद्र मोदी 24 घंटे में रोजगार देता है। ये बदलना है। मगर फिर से मैं आपको ऐतिहासिक कदम के बारे में बोलना चाहता हूं। हमने आपको, कांग्रेस पार्टी ने आपको हरी क्रांति दी, सफेद क्रांति दी, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया,
इंटरनेट रेवोल्यूशन दिया, आईआईटी, आईआईएम, आईआईएस, मनरेगा, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, ऐतिहासिक काम हमने किए हैं। हम नरेंद्र मोदी वाले वाली राजनीति नहीं करते। हम जब मन बना लेते हैं तो हम ऐतिहासिक काम करते हैं। और मैं आपको एक ऐतिहासिक काम के बारे में बताना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है भाई और बहनों, और इसको आप अच्छी तरह सुनिए और आप अपने परिवार को, के लोगों को, मित्रों को, सबको बताइए। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में अरबपतियों को करोड़ों रुपए दिए हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी, 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, 30,000 करोड़ रुपए मेहुल चौकसी। इन लोगों के पास आमदनी की कोई कमी नहीं, मतलब धन की कोई, तेजस्वी भी बोलूंगा, धन की कोई कमी नहीं है। जो भी ये चाहते हैं इनको मिलता है, और हिंदुस्तान की गरीब जनता देखती रह जाती है। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को मिनिमम इनकम की गारंटी देगी। मतलब कम से कम आमदनी हिंदुस्तान के हर गरीब के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी पैसा डाल के दिखाएगी। नरेंद्र मोदी 3.5 रुपए देता है अनिल अंबानी को, 1,00,000 करोड़ रुपए। कांग्रेस पार्टी की सरकार हर गरीब व्यक्ति को मिनिमम इनकम की गारंटी देने वाली है। ऐतिहासिक काम है। किसी भी देश ने आज तक दुनिया की हिस्ट्री में यह काम नहीं किया है। हिंदुस्तान और कांग्रेस पार्टी मिलकर एक साथ ये काम करने जा रही है। अब मैं अंत में तेजस्वी जी, माझी जी, कुशवाहा जी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, तेजस्वी जी युवा नेता हैं, काम करके दिखाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। सही बात है, गलत बात है, झूठ नहीं बोलते हैं। और हम सब मिलकर इज्जत से, प्यार से मिलकर एक साथ लोकसभा में और उसके एकदम बाद विधानसभा में गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में लोकसभा में, भैया मुझे साफ बता दो, गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? साफ बता दो, कितनी सीटें मिलेंगी गठबंधन को? यहां पे ना बीजेपी को, ना नीतीश जी को एक भी सीट मिलनी है। पूरी की पूरी सीट गठबंधन को मिलनी चाहिए, पक्का। कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं से मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने सालों बाद इतनी ऐतिहासिक, इतनी शानदार मीटिंग की। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय राहुल जी के संबोधन के बाद हम सभी